नमस्कार दोस्तों, पाइल्स यानी बवासीर में गुदा की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, वहां मस्सा बन जाता है और उससे ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और दर्द भी होता है, और अगर इसका समय पर रहते इलाज नहीं किया जाए तो यह आगे चल के आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो मन में सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई घरेलू उपाय है, तो एक चीज बता दूं कि आज तक काफी सारे घरेलू नुस्खे इस पर फायदेमंद साबित हुए हैं, जैसा कि बाबा रामदेव ने भी अपने वीडियो में जिक्र किया है। तो आज हमारे सामने तीन उपाय हैं, मैं आपको तीनों को बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से आपको सेवन करना। सबसे पहले यह है छाछ, और सेकंड हम इसमें शहद और नींबू पानी, और तीसरा है कच्चा गाय का दूध। तो इनको किस तरीके से सेवन करना, दोस्तों कोई भी घरेलू उपाय या औषधि अगर आप उसे ट्राई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे सही तरीके से प्रयोग करने का तरीका, क्योंकि ये जो घरेलू नुस्खे कहीं ना कहीं हमारे दिन प्रतिदिन खाने का ही हिस्सा होता है। अगर आप इन्हें औषधि के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इन्हें लेने का एक तरीका होता है, अगर उसे तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आपका शरीर उसे खाने के रूप में लेता है, उसे औषधि के रूप में नहीं लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन नुस्खों के कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, और तीसरा इंपॉर्टेंट कि इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक या क्या फैक्ट है जो ये नुस्खे ट्राई किए जाते हैं। तो आज वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये है गाय का दूध, कच्चा गाय का दूध आपको लेना है। ये ध्यान रखें कि दूध कच्चा यानी निकालने के 1 से 2 घंटे के बाद ही हमें उपयोग में लेना है। अब आप सवाल करोगे कि जैसे रो मिल्क जो आता है थैली या पैकेट में, वो भी कच्चा होता है, उसे अगर हम गर्म ना करके डायरेक्ट यूज लें तो दोस्तों वो पैकेजिंग में रहता है, 2 से 3 दिन उसे पैकेजिंग में निकल जाते हैं, तो फिर वो उसमें जो रो मिल्क यानी कच्चा दूध है उसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो बेस्ट यही होगा अगर आपके पास फ्रेश गाय का निकला हुआ, गाय का इसीलिए सजेस्ट किया जाता है बिकॉज ये पचने में आसान होता है, क्योंकि पाइल्स में कई सारे लोगों के दूध का जो है पाचन नहीं होता है। तो जिन लोगों के डाइजेस्ट हो वही लोग इसका ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 1 कप में आपको जैसे ये नींबू है तो आपको नींबू काट लेना, इसका पूरा रस 1 कप या 1 गिलास में आपको निकाल लेना, उसके बाद उस रस में आपको ठंडा दूध डालना है, पूरी तरह अच्छी तरीके से मिला के पी जाना है, ठंडे दूध से दूध फटेगा नहीं। अब इसके क्या फायदे, तो दोस्तों दूध जैसे हम बात करें नींबू, नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है। विटामिन सी स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप इसे रुई की सहायता से आपके मस्से वाले दर्द हिस्से पे लगाते हो तो वहां आपको रिकवरी फास्ट होगी, प्लस आपके दर्द और सूजन में राहत मिलेगी। दूसरी बात, दूध में कई सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जैसे विटामिन B2, B12, और इसके अलावा दूध आपकी बॉडी को जल्दी से रिकवर करने में हेल्पफुल होता है, तो ये इसका कारण होता है। अब बात करें इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक या कोई फैक्ट, तो अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। अगर आप इसे, इसके कई सारे बेनिफिट कई लोगों को मिले हैं उस बिहा पे इसे यूज किया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड है, अगर आप इसे यूज कर पाते हो या आपके शरीर डाइजेस्ट कर सकता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट, ये है कि अगर आप इसे यूज ना करें तो आप पानी के साथ शहद और नींबू को ले सकते हैं। यह बहुत ज्यादा अपनाया जाने वाला नुस्खा है और इसके पीछे कई सारे लॉजिक भी हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे नींबू के बारे में मैंने बता दिया, अब हम बात करें शहद की, तो दोस्तों शहद में इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, शरीर से जो बैक्टीरिया है उनको ये बाहर करता है, और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए आप शहद बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे कब्ज और आपके जो डाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल्स में हमारा जो स्टूल है यानी मल है वो टाइट मल आता है, अगर आप नींबू पानी और शहद का यूज करते हैं तो यह भी आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है यानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसे नहीं होने देगा। आपका अगर स्टूल पतला आता है तो आपकी जो है पाइल्स वाले हिस्से में वहां से आपका दर्द नहीं होगा और धीरे धीरे बॉडी रिकवर होने लग जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इन जो भी नुस्खे आप अपनाते हैं उनके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आप 6 से 7 दिन तक लगातार इनको अपनाएं और सुबह खाली पेट ही इनका सेवन करें। या और जिस अगर आपके पाइल्स का दर्द या ब्लडिंग ज्यादा बढ़ गई है तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको 4 से 5 दिन ओनली लिक्विड डाइट पर रहना है। आपको मतलब जो फास्ट फूड या हार्ड जो फूड होता है जिससे हमारा स्टूल यानी मल टाइट आए वो चीजें नहीं खानी, आपको एक बार पूरी बॉडी को खाली होने देना है, उसी टाइम ये नुस्खे आजमाने हैं, तो आपका क्या है घाव भी भर जाएगा और ब्लडिंग होना बंद हो जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ये है छाछ, छाछ का अगर आप पाइल्स की समस्या उठ रही है या आपको कब पहले से है तो छाछ को आपकी डाइट में रेगुलर शामिल करना। इसमें हमने अजवाइन को कूट करके मिलाया है और सेंधा नमक डाल दिया, ये वैसे भी टेस्ट में काफी अच्छी होती है,
तो दोस्तों आपको छाछ से क्या फायदा होगा कि पाइल्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, एक तो गर्मी के कारण होता है कि आपकी बॉडी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कब्ज कॉन्स्टिपेशन में छाछ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये थे इम्पोर्टेंट तीनों नुस्खे, जो भी आपके लिए सूट हो वो अपनाएं। एक और इसमें विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि अगर आपका पाइल्स आगे काफी आगे हद तक पहुंच गया, यानी आपके वो जो घाव या मस्सा बन गया है उसे रिकवर नहीं हो पा रहा है, या क्योंकि ये शुरुआती स्टेज पे आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, आपको पाइल्स की समस्या होना शुरू हुई है या आपका जो दर्द या इचिंग हो रही है तो ये फायदेमंद है। अगर बहुत ज्यादा पाइल्स आपका बढ़ गया, अल्सर बन गया या उससे आगे की स्टेज पे, तो ऐसे स्टेज में आप जरूर फिजिशियन को या डॉक्टर को सजेस्ट करें, आपको अगर सर्जरी कराने की जरूरत पड़े तो आप सर्जरी का ही वहां पे सहारा लें। तो ये शुरुआती स्टेज पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज या आसन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।